फरीदाबाद से सपा सांसद डॉक्टर एस टी हसन ने आज फिल्म सिटी प्रकरण पर योगी सरकार की पहल का स्वागत करते हुए कहा कि अच्छी बात है बॉलीवुड उत्तर प्रदेश की तरफ रुख कर रहा है, लेकिन इस बात का राजनीतिकरण ना किया जाए क्योंकि सपा सरकार में लखनऊ सहित दो फिल्म सिटी बनाने के प्रोजेक्ट शुरू किए जा चुके थे और जहां तक बॉलीवुड पर अंडरवर्ल्ड और माफियाओं के दबाव की बात है तो वो तो इस समय पूरे देश में सक्रिय है, उन पर कोई लगाम नहीं लग रही है, वो चाहे उत्तर प्रदेश हो या मुंबई हो। अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले सपा सांसद डॉक्टर एस टी हसन ने आज किसानों के दिल्ली कूच और प्रदर्शन का समर्थन करते हुए कहा कि ये पूंजीपतियों की सरकार है, किसानों की फिक्र किसे है, वो पिछले 6 दिनों से ठंड के मौसम में खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं और ये सरकार उन पर पानी का छिड़काव किए जा रहा है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहा है, वो अपना हक मांगने की बात कर रहे हैं। ये सबको मालूम है कि जो किसान बिल पास हुआ है वो किसान विरोधी है, इस बिल में अधिकतम मूल्य फिक्स नहीं किया गया है, जो आटा 20 रुपए बिक रहा है आने वाले समय में वही 50 रुपए बिकने वाला है। सपा सांसद ने भाजपा द्वारा लगाए गए उस आरोप का भी जवाब दिया है जिसमें कहा गया कि किसानों की भीड़ में शाहीन बाग प्रदर्शन से जुड़े लोग शामिल हैं और वो दंगा करा सकते हैं। डॉक्टर एस टी हसन ने कहा कि इस सरकार को हर मुद्दे में सांप्रदायिक पहलू कहीं न कहीं से लाना है, हिंदू मुस्लिम की बात करनी है। इस सरकार को अगर शाहीन बाग वाले लोग आकर किसानों की मदद कर रहे हैं इसमें गलत क्या है, और शाहीन बाग वाली दादी को कल गिरफ्तार करके वापस कर दिया गया, क्या यही प्रजातंत्र है, क्या यही सपने महात्मा गांधी जी ने देखे थे, ये हमें सोचने की जरूरत है। जी सर, किसान दिल्ली बॉर्डर पर 6 दिनों से लगातार बैठे हुए हैं, इसको लेकर क्या नजरिया है आपका, सरकार किस तरीके से काम कर रही है? देखिए, सरकार तो कॉरपोरेट और पूंजीपतियों की सरकार है, किसानों की फिक्र किसे है? किसान 6 दिन से इस ठंड के मौसम में बैठे हुए हैं और हद तो ये हो गई कि उनके ऊपर पानी का छिड़काव कर दिया गया, हरियाणा बॉर्डर के ऊपर आंसू गए छोड़ दिए गए, एक अपना हक मांगने गए हैं और उनको वो हक नहीं दिया जा रहा। जो बिल आया है वो सबको मालूम है कि किसान विरोधी है, कॉरपोरेट के हाथों में एग्रीकल्चर को भी देने की साजिशें हैं और जो MSP है उसका कोई जिक्र नहीं है। आज किसान 1,000 रुपये क्विंटल अपना धान बेच रहा है जबकि MSP तकरीबन 1,850 रुपये क्विंटल है। इसमें ना तो ये जिक्र रहेगा कि अगर मंडियों से बाहर MSP से नीचे कोई खरीदेगा तो वो एक अपराध माना जाएगा, और ना ही इस बात का जिक्र है कि मैक्सिमम प्राइस क्या होनी चाहिए। मैक्सिमम प्राइस भी फिक्स होनी चाहिए कि कॉरपोरेट जब ये खेती करेंगे और किसान गरीब किसान की ज़मीनों को ये ले लेंगे उसके बाद इनको अनलिमिटेड स्टॉक करने की परमिशन इस बिल ने दे दी है, ये अपने हिसाब से रेट तय करेंगे। गरीब आदमी फसल पे जो आटा खरीदता है 20 रुपये 22 रुपये किलो, वो 3-4 महीने बाद वो 40 रुपये 50 रुपये खरीदे, इनकी मर्जी के ऊपर है। वो तो मैक्सिमम प्राइस फिक्स नहीं है। उसके अलावा जो ज़मीनें किसान की चली जाएंगी, अगर कोई गरीब किसान अपनी ज़मीन नहीं देना चाहता है, 1,000 एकड़ के बीच में उसकी कहीं ज़मीन आ गई तो वो क्या नहीं ले ली जाएगी? ऐसे हालात तो नहीं जिस देश में। डॉक्टर साहब, भाजपा का आरोप है किसानों की भीड़ में CEA के विरोध में जो शाहीन बाग में लोग शामिल थे वो जो है फिर से जो है तुम्हारा इसमें शामिल हो रहे हैं और दिल्ली को दोबारा बंधक बनाए जाने की साजिश करी जा रही है। देखिए, ये देश गंगा जमुनी तहजीब का देश है, जब भी किसी के ऊपर कोई परेशानी आती है तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई खड़े हो जाते हैं। शाहीन बाग के लिए CEA का विरोध किया गया था और वो विरोध जायज़ विरोध था। हिंदुस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि एक मजहब को छोड़कर बाकी दूसरे मजहबों को अलाउ कर दिया गया हिंदुस्तान की नागरिकता लेने के लिए। अगर आज किसान पे मुश्किल वक्त है तो हिंदुस्तान का हर इंसान उन किसान के साथ खड़ा है, सिर्फ शाहीन बाग ही नहीं खड़ा है। लेकिन क्योंकि सांप्रदायिक पहलू कहीं ना कहीं से लेके आना है, हिंदू मुस्लिम की बात कहीं ना कहीं से करनी है इस सरकार को, तो अब शाहीन बाग वाले अगर आके उनकी खिदमत कर रहे हैं, अगर शाहीन बाग की जो दादी थी वो आना चाहती है तो कल उनको गिरफ्तार करके वापस कर दिया गया, क्या यही प्रजातंत्र है? क्या हमारे बुजुर्गों ने और राष्ट्रपिता बापू ने ये सपने इसी दिन के लिए देखे थे? ये मेरे और आपके सोचने समझने की बात है। डॉक्टर साहब, उत्तर प्रदेश में जो है बॉलीवुड, अब उत्तर प्रदेश से जो है तुम्हारा यहाँ पे मुख्यमंत्री जी लेके आ रहे हैं, उनका आरोप है कि शिवसेना की सरकार जो महाराष्ट्र में है उसमें कहीं ना कहीं बॉलीवुड पे अंडरवर्ल्ड का दबाव है और वहाँ के जो स्टार हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, वो सुरक्षित नहीं है महाराष्ट्र में, इसको लेकर क्या नज़रिया आपका? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर
ये बनते हैं बॉलीवुड यहाँ पे शिफ्ट होता है, इसमें बुराई भी क्या है? उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश जी की सरकार थी उस वक्त दो फिल्म सिटी बन रहे थे, MOU भी साइन हो गया था, 650 करोड़ का सेंक्शन भी हो गई थी, लेकिन हमें दिक्कत और हमें ऑब्जेक्शन इस बात का है कि हर चीज़ को पॉलिटिसाइज ना किया जाए, हर चीज़ का ढोल ना बजाया जाए, जनता को गुमराह ना किया जाए। एक फिल्म सिटी लखनऊ में बन रहा था और एक फिल्म सिटी ट्रांस गंगा प्रोजेक्ट के ऊपर बन रहा था, जिस जो रिकॉर्ड में है, ये तो कोई नई बात नहीं कर रही है सरकार। लेकिन फिल्म सिटी यहाँ आना चाहिए, और जहाँ तक माफियाओं का और बाकी लोगों का सवाल है, वो तो इस वक्त पूरे देश में सक्रिय हैं, उनके ऊपर कोई लगाम नहीं है, वो चाहे उत्तर प्रदेश हो या महाराष्ट्र बम्बई।